थाना भौती पुलिस ने मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को महज 36 घंटे में किया गिरफ्तार। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूली के मार्गदर्शन में और एसडीओपी पिछोर प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में थाना भौती पुलिस ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करते हुए रश्मि लोधी, नीरज लोधी, मेहरबान सिंह लोधी, स्वरूपी लोधी की मारपीट करने और सरनाम लोधी की मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपी ओमकार पुत्र स्वर्गीय देवलाल लोधी उम्र 56 साल, भगवान सिंह पुत्र ओमकार लोधी उम्र 27 साल और लवकुश पुत्र ओमकार लोधी उम्र 25 साल निवासीगंज ग्राम बमेरा थाना भौती को अपराध पंजीबद्ध होने के बाद मात्र 36 घंटे में गिरफ्तार कर आरोपी गनों से घटना में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक गीतेश शर्मा, थाना प्रभारी भौती के अलावा राम निवास शर्मा, राजेश शर्मा, धर्मवीर रावत, रामप्रसाद गुर्जर और ब्रजराज सिंह थाना भौती की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संवाददाता सचिन राज भट्ट की रिपोर्ट। सर, भौती थाना क्षेत्र के बमेरा गांव में हत्या हुई, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की और क्या कुछ कहना है? ये 15-16 सितंबर की दरमियानी रात थाना भौती पर रश्मि लोधी ने थाने पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 तारीख की रात में जब वो गणेश जी की झांकी देख रही थी तो उनके गांव के ही लवकुश लोधी, भगवान सिंह लोधी, ओमकार लोधी ने पुरानी रंजिश पर से उनकी, उनके पति नीरज लोधी की, उनकी सास सरूपी बाई की, उनके ससुर मेहरबान लोधी की और उनके बड़े ससुर शर्माम लोधी की मारपीट कर दी थी। तो रश्मि लोधी की रिपोर्ट पर से रात में ही थाना मोदी में अपराध क्रमांक 258/24 पंजीबद्ध किया और घायलों को उपचार हेतु अस्पताल रवाना किया गया, जहाँ पर दौरान इलाज घायलों में से एक घायल जिनका नाम शर्माम लोधी है उनकी कल सुबह मृत्यु हो गई थी। शर्माम लोधी जी की मृत्यु होने के पश्चात पूर्व से पंजीबद्ध जो अपराध था उसी में धारा 109, 103 का इजाफा किया गया। तो आज पुलिस ने तीनों आरोपी की जिनके नाम लवकुश लोधी, ओमकार लोधी, ये हत्या की जो वजह है उसके पहले तो मारपीट हुई थी। मारपीट की वजह ये थी कि रश्मि लोधी का कहना था कि उन्होंने गाँव के ही नीरज लोधी के साथ लगभग 2 वर्ष पूर्व लव मैरिज कर ली थी, जिससे उनके मायके वाले उनसे रंजिश रखते थे और इसी बात से झगड़ा हुआ।